गुड इवनिंग और हैप्पी नवरात्रे। और ये रही पलक मैडम, जो देखिए आप बाहर नीचे जाने के लिए गार्डन में कैसे तैयार शेयर हुए हैं। ये लोग अभी सूट पहने हुए थे, दिन में 3-3 बारी तो इनके वस्त्र चेंज हो रहे हैं। और ये रहा मेरा प्यारा सा मंदिर, जो इस टाइम पूरी तरह से सज चुका है। और यहाँ मैं बना रही हूँ सिंघाड़े के आटे के कटलेट बना रही हूँ। तो ये पहले मैं इसका बैटर पतला बना लेती हूँ। इसके अंदर मैंने डाला है अदरक, हरी मिर्च, धनिया और नमक डालूँगी मैं इसके अंदर। तो पहले मैं इसका गाढ़ा घोल बना लेती हूँ। बहुत गाढ़ा नहीं, पतला ही बनाना है, तो ये सीखते टाइम थोड़ा सा गाढ़ा होगा। और यहाँ मैंने इसका इस तरह से पतला घोल बना लिया है। और कढ़ाई के अंदर मैंने रिफाइंड भी डाल दिया है, तो मैं इस बैटर को अभी इसके अंदर डाल दूँगी। और थोड़ा सा ही रिफाइंड डाला है मैंने इसमें। और साइड में मैंने अरबी भी उबालने रख दी है। तो इसे मैं अब लगातार इस तरह से फुल गैस पे हिलाते हुए बनाऊंगी। और प्लेट साथ के साथ प्लेट पे मैं रिफाइंड भी लगा दूंगी, जिससे ये उसमें डालते समय चिपके नहीं। तो पहले इसको इस तरह से हिलाते ही रहना है। और नॉनस्टिक कढ़ाई में तो मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, वैसे मैं नॉर्मल कढ़ाई में ही बनाती थी। किसी भी कढ़ाई पे आप बना सकते हैं इसे। और देखिए गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, तो इसे मुझे लगातार इसी तरह से हिलाना है ताकि इसके अंदर लम्स ना पड़े। और ये बाहर जागरण हो रहा है, तो उसी की आवाज आ रही है। जब ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा अपने आप, तो ये रेडी हो जाता है तब। और मैंने प्लेट्स पे ऑयल की कोटिंग भी कर दी है। और अगर आप आपका नीचे लगने लगे तो आप गैस सिम पे भी कर सकते हैं। तो ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, देखिए इस तरह से, तो ये रेडी हो चुका है। और अब मैं इसे इस प्लेट पर चला दूँगी। और यहाँ मैंने प्लेट पे इसे इस तरह से डाल दिया है ऑयल लगा के। अब ये ठंडा हो जाएगा, तो मैं इसको पीसेस में कट कर लूँगी और फिर जब बच्चे खाना खाएंगे तो इनको फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ मैं बना लेती हूँ आलू का झोल। और यहाँ बना रही हूँ मैं अरबी। और ये आलू का झोल तैयार है, तो यहाँ बना रही हूँ मैं रायता। घी उबाल रही हूँ। और ये जो है आटा मलने के लिए मैंने इसमें डाला है घी, एक आलू, अदरक और हरी मिर्च डाल के। तो मैं पूरी का आटा मल लूँगी। और यहाँ ये कटलेट भी बन चुके हैं और इस तरह से इसके पीसेस तैयार हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस शेप में काटना चाहते हैं। और ये ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यम्मी होते हैं फास्ट में खाने में। और इस तरह से अगर आप पूरी बनाएंगे, अभी मैं इसमें धनिया भी डालूंगी हरा, और इस तरह से पूरी बनाएंगे तो पूरी भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आप चाहें तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कटलेट भी तैयार हो चुके हैं। और वैसे ही आलू का झोल वगैरह खा रहे थे, लेकिन आज इनकी भी नोटिंग की थी कि इनको खानी है ये दाल खानी है, और ये सब नहीं खाएंगे। तो इनके लिए यहाँ मैंने थोड़ी सी मूंग की धुली दाल डाली है, और ये शौक से खा लेते हैं इस दाल को। वैसे खाते हैं पूड़ी वगैरह, लेकिन आज बोले मैं पूड़ी वगैरह नहीं खाऊंगा, तो मैंने इनके लिए चलो दाल डाल देते हैं। और साथ में अरबी की सब्जी तो है ही सूखी। तो ये कटलेट इस तरह से हो जाते हैं तैयार। और मैं इस पर इसलिए रख रही हूँ कि मुझे यहाँ बनानी है पूड़ियाँ, तो इस पर ऑयल लग जाएगा। और मैंने साथ में लौकी का रायता भी डाल लिया है। और ये बनकर तैयार है रायता। और यहाँ पर आशी तैयार कर रही है भोग। और यहाँ ये पूड़ी बन रही है।
और अगर आप पालक खाते हैं तो इसमें पालक कट करके डाल दीजिए तो भी अच्छी बनती है ये बहुत। मेरी पालक जो 9 दिन रखते हैं तो उन्हें तो अलग अलग ही होता है कि जब हम रखते थे तो कभी पूड़ी बना लेते थे, कभी चीला बना लेते थे उसका, कभी पराठा बनाते थे। ये रही पालक, और पालक हमारे घर में है। ये रही पालक पनीर, ये पालक है, ये पनीर है जो लाल वाली खड़ी है, ये देखिए। एक भरत मिलाप होता है, एक पालक आशे मिलाप है। और ये आशी भोग लगा रही है यहाँ पे। जय श्री रामी दाल बस साचे दरबार की जय। और ये देखिए 3 देवियां जो खाना खाने बैठी हैं यहाँ पर, व्रत खोल रही हैं अपना। ये देखिए गुरु माँ की तरह सिंहासन पे बैठी हैं और 2 चेले नीचे बिठा दिए। देखिए आप इनके चेले नहीं हैं, फिर क्या हो इनके। देखिए ये बच्चों का दर्द निकल के आ रहा है अक्की। ये देखिए इनका दर्द है जो निकल निकल के आ रहा है, अपनी गुरु माँ को कैसे दुत्कार रहे हैं। गुरु माँ इनको आशीर्वाद दो। ये देखिए और इसमें हो चुकी है सुबह, देखते हैं दोनों अंदर क्या कर रही है आशीर्वाद। तो मैं आपको चुपके से दिखाती हूँ। देखिए इन्होंने देख लिया मुझे, और इन दोनों की किचपुच पीछे चलती रहती है। ये हमारी जुड़े वाली बहन जी और ये हमारे खुले वालों वाली बहन जी। ये कौन है? मेंढक। तुमसे बड़ा है छोटा? हमसे छोटा है। हमसे छोटा यानी तुम मेंढक हो? पंखा भी चाहिए, क्विल्ट भी चाहिए। वाह बेटा वाह। मैंने मना किया था। तो फिर आपने उड़ा क्यों हुआ है? और तुमने क्यों क्विल्ट उड़ा हुआ है? मजा आते हैं। कैसा फील करती हैं आप? इसके मजे अजीब होते हैं। इसके मजे अजीब होते हैं, खुद अजीब है ये। अजीब बात दुनिया का नंबर एक। ये देखिए और आज इन दोनों ने व्रत रखा है क्योंकि इन्होंने छुट्टी कर लिया कि लास्ट को कौन व्रत रखेगा। एक कल रख लिया, एक आज रख लिया, फिर व्रत को टाटा बाय बाय है ना। आज बोलोगे तुम सारे हाँ, मुझे कुत्ते ने काटा कि मैं अपने सर पे हाँ नहीं तो तुम्हारा क्या जाता है? तुम्हें तो तरह तरह के पकवान मिलते हैं। ये देख ये व्रत रखी भी इसलिए कि शाम को इनको तरह तरह के खाने मिलते हैं। चल तो ठीक है, आज आची सिर्फ फ्रूट पे अपना व्रत खोलेंगी। चलो आपके सामने हाँ कर रही है लेकिन मैं शाम को दिखाऊंगी जब मैं खाना बनाऊंगी। तो आशी पता क्या होता है, आशी के साथ क्या है, जैसे आशी नाराज है, आशी कहेगी मुझे नहीं खाना खाना, ले जाओ। कल जैसे दोपहर में दोनों बहनों की लड़ाई हो गई थी तो इसने बोला कि मैं चाय नहीं पीऊँगी और मैंने छोड़ दिया ढीला कि मुझे पता था आशी सब कुछ कर सकती है, भूखा नहीं रह सकती। फिर आशी ने थोड़ी देर बाद अपने आप चाय मांगी लेकिन मैंने तब दी नहीं थी क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। फिर इन मैडम जी ने आलू ही खाए थे तो ये टैप के अंदर अपना मुँह छुपा के बैठी है। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। टन टन बाय बाय।